ओम शांति। आज 14 अक्टूबर 2024 के प्यारे बाप दादा के साकार मधुर महावाक्य आज की मुरली के सार में सतगुरु बाबा ने स्मृति दिलाई कि तुम अभी यहाँ सत्संग में बैठे हो तो तुम बच्चों को मायावी कुसंग से बचे रहना है, क्योंकि बाबा कहते जब कुसंग में आते हो तो संशय बुद्धि बनते हो, और जब संशय बुद्धि बनते हैं तो ब्राह्मण जीवन में घुटके आते हैं, अर्थात उलझन में आते हैं, पुरुषार्थ में ढीले होते हैं, और उसका कारण बाबा ने बताया व्यर्थ बातें सुनते हैं। इसलिए आज कहा हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। फिर स्पिरिचुअल का भावार्थ समझाते हुए कहा कि बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी भव, देह का अभिमान छोड़ो। जब तुम आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित हो उसको ही सच्चा स्पिरिचुअल कहा जाता है। स्पिरिचुअल फादर अर्थात निराकार फादर, तो स्पिरिचुअल फादर आकर स्पिरिचुअल बच्चों को समझाते हैं। फिर विशेष कहा कि बेहद का बाप आकर बेहद की शिक्षा देते हैं। जब अभी यह श्रेष्ठ शिक्षा धारण कर लेते हैं तो फिर सतयुग में वकील, जज, सर्जन आदि की दरकार नहीं रहती है, क्योंकि सतयुग में एकदम सुख ही सुख रहता है, दुख का नाम निशान नहीं। और बाबा कहे कि मेरा तो नाम एक ही सदाशिव है, लेकिन कार्य के अनुसार तुम मुझे अनेक नामों से पुकारते हो। तो बाबा कहे मैं चैतन्य बीज रूप हूँ, ज्ञान का सागर हूँ, सदगति दाता हूँ, प्रिसेप्टर हूँ, सच्चा बाप, सच्चा टीचर और सच्चा सतगुरु, पवित्र ते पवित्र, एवर प्योर हूँ। और साथ में बाबा कहे तुम गाते भी हो, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही तो मैं तुमसे सर्व संबंध भी निभाता हूँ। फिर कर्म पर अटेंशन दिलाते हुए कहा कि बाप समझाते हैं मीठे मीठे रूहानी बच्चे, यह रूहानी पढ़ाई रूह ही पढ़ती है, संस्कार आत्मा ले जाती है, अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा में रहते हैं, जैसा जैसा कर्म करते हैं उसी अनुसार आत्मा को शरीर मिलता है। फिर अटेंशन दिलाया कि अभी बाबा आकर तुमको बगीचे का फूल बनाते हैं, पूज्य बनाते हैं, तो अब फिर कांटा नहीं बनना है। फिर पढ़ाई पर अटेंशन दिलाते कहा कि बहुत है जिनके कान बह जाते हैं, अर्थात बुद्धि में धारणा नहीं होती है, जो अच्छी धारणा करते हैं वह सुनकर दूसरों को सुनाते हैं, उनको बाबा महारथी कहते हैं। जो महारथी है वह सुनकर धारण कर फिर औरों को रुचि से समझाते हैं। फिर साथ में कहा कि बाबा देखते हैं कई बच्चे मूंझते हैं तो झुटका खाते हैं, आंखें बंद कर बैठते हैं, तो बाबा कहते यह तो कमाई है, कमाई में घुटका खाना, झुटका खाना, उबासी आना, यह थकावट की निशानी है और उबासी उदासी की निशानी है। इसलिए कहा जब सदा नशे में रहेंगे तो पढ़ाई पर अटेंशन रहेगा। और लास्ट में बहुत विशेष स्मृति दिलाई कि अभी तुम बाप के घर में बैठे हो तो यह परिवार भी है, बाबा टीचर भी बनते हैं, गुरु भी बनते हैं रास्ता बताने के लिए, तुम फिर मास्टर गुरु बनते हो, तो अब मास्टर गुरु बन बाप का राइट हैंड बनना है, जो बहुतों का कल्याण कर सको। बाबा कहे और सब धंधे में है नुकसान, बिगर एक धंधा नर से नारायण बनना, इस नर से नारायण बनने के धंधे में सदा कमाई ही कमाई है और बाकी सब कमाइयां खत्म हो जाती हैं, यह कमाई तुम्हारे साथ चलती है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के इन अनमोल मधुर महावाक्यों को विस्तार से। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, यहाँ तुम सत्संग में बैठे हो, तुम्हें मायावी कुसंग में नहीं जाना है। कुसंग लगने से ही संशय के रूप में घुटके आते हैं, अर्थात मन में उलझन आती है। आज मुरली से प्रश्न है, इस समय किसी भी मनुष्य को स्पिरिचुअल नहीं कह सकते हैं, क्यों? उत्तर में बाबा ने कहा क्योंकि सभी देह अभिमानी है, देह अभिमान वाले स्पिरिचुअल कैसे कहला सकते हैं? स्पिरिचुअल फादर तो एक ही निराकार बाप है, जो तुम्हें भी देही अभिमानी बनने की शिक्षा देते हैं। सुप्रीम बाप का टाइटल भी एक बाप को ही दे सकते हैं, बाप के सिवाय सुप्रीम कोई को भी कहला नहीं सकते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं, उसमें पहला पॉइंट है बाबा जो सुनाते हैं उसे सुनकर अच्छी तरह धारण करना है, दूसरों को रुचि से सुनाना है, एक कान से सुन दूसरे से निकालना नहीं है, कमाई के समय कभी उबासी नहीं लेनी है। दूसरा पॉइंट, बाबा का राइट हैंड बन बहुतों का कल्याण करना है,
नर से नारायण बनने और बनाने का धंधा करना है। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, किसी के व्यर्थ समाचार को सुनकर इंटरेस्ट बढ़ाने के बजाय फुल स्टॉप लगाने वाले पर मत से मुक्त भाव। किसी के व्यर्थ समाचार को सुनकर इंटरेस्ट बढ़ाने के बजाय फुल स्टॉप लगाने वाले पर मत से मुक्त भाव। स्पष्टीकरण है, कई बच्चे चलते चलते श्रीमत के साथ आत्माओं की परमत मिक्स कर देते हैं। जब कोई ब्राह्मण संसार का समाचार सुनाता है तो उसे बहुत इंटरेस्ट से सुनते हैं, कर कुछ नहीं सकते और सुन लेते हैं तो वह समाचार बुद्धि में चला जाता है, फिर टाइम वेस्ट होता है। इसलिए बाप की आज्ञा है, सुनते हुए भी नहीं सुनो। अगर कोई सुना भी दे तो आप फुल स्टॉप लगाओ। जिस व्यक्ति का सुना उसके प्रति दृष्टि व संकल्प में घृणा भाव नहीं हो, तब कहेंगे पर मत से मुक्त भव। आज बाबा ने बड़ी गुहिया समझने की बात बताई कि कोई भी व्यर्थ समाचार सुनाते हैं, चाहे लौकिक दुनिया का चाहे ब्राह्मण परिवार का, उसको इंटरेस्ट से सुनने के बजाय उसको फुल स्टॉप लगाना है। और फुल स्टॉप लगाने के साथ साथ जो सुनाने वाला है उसके प्रति कभी भी घृणा भाव ना हो। आज का स्लोगन है, जिसकी दिल विशाल है उनके स्वप्न में भी हद के संस्कार इमर्ज नहीं हो सकते। जिनकी दिल विशाल है उनके स्वप्न में भी हद के संस्कार इमर्ज नहीं हो सकते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज 14 अक्टूबर का अव्यक्त इशारा है। बाबा कहे, जो बहुत समय के संस्कार होते हैं वही अंत की स्थिति रहती है। लौकिक रीति से जब कोई शरीर छोड़ते हैं, अगर कोई संस्कार दृढ़ होता है खान पान व पहनने आदि का, तो पिछाड़ी समय भी वही संस्कार सामने आते हैं। इसलिए अभी से ये विस्मृति के अथवा हार खाने के संस्कार मिट जाने चाहिए। इसके लिए अपने आप से दृढ़ प्रतिज्ञा करो कि यह संस्कार यह व्यर्थ संकल्प कभी भी उत्पन्न नहीं होंगे। जब ऐसे दृढ़ प्रतिज्ञा करेंगे तब अंत में विजय बनेंगे। आज बाबा कहे, अंतिम समय में हमारी श्रेष्ठ स्थिति रहे उसके लिए कहा कि बहुत समय के जो संस्कार होते हैं वही अंत में एक्टिवेट रहते हैं। तो बाबा कहते हैं, अब दृढ़ प्रतिज्ञा द्वारा व्यर्थ संस्कार और हार खाने के संस्कार को समाप्त कर दृढ़ता के साथ विजय बनना है, तो अंत में भी विजय बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।